दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के ढोलेवाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में सेना के अलग अलग पदों के लिए सेना की खुली भर्ती प्रक्रिया का कार्य 7 दिसंबर से शुरू किया गया, जिसमें लगभग 22,000 के करीब उम्मीदवार अलग अलग शहरों से पहुंचे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में संबंधित जानकारी देते हुए पंजाब और J&K के रिक्रूटिंग डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर उदय यादव ने बताया कि सेना में भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू हुई है। इस प्रक्रिया में 22,000 उम्मीदवारों में से लगभग 1500 उम्मीदवारों को लिखित टेस्ट के लिए चयनित किया गया है, जिनके फिटनेस व मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें सेना में भर्ती किया जाएगा। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट रैली है यहाँ शुरू हुआ 7 तारीख को और आज लास्ट डे था रन का, यानी 13th को। उसके बाद 2 दिन तक और चलेगी मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और इस रिक्रूटमेंट रैली में हमने मोहाली, रूपनगर, लुधियाना एंड मोगा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। और इस स्क्रीनिंग के दौरान हम लोग फिजिकल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल करेंगे। लोग जो कैंडिडेट इसमें सक्सेसफुल होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हम यही आपके माध्यम से और जो हमारे जो कैंपेन है, यही हम कोशिश करना चाहते हैं कि लोगों के अवेयरनेस बढ़े कि इसमें कोई भी, इवन मैं हूँ जैसे यहाँ पे सीनियर हूँ, मैं कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता, कोई भी किसी तरह से इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अपनी मेरिट के ऊपर जो बंदा ठीक है वो सेलेक्ट होगा, जो नहीं है उसको कोई नहीं कर सकता।